सुबह सुबह निकल गए हैं झालंग के लिए। झालंग जाएंगे, बिंदु जाएंगे और मूर्ति भी जाएंगे। सुबह चाय नाश्ता के लिए भी टाइम नहीं मिला तो फटाफट निकल गए हम लोग और अभी जा रहे हैं झालंग की तरफ। ये दोनों साइड में बहुत ही बेहतरीन मेरे को टी गार्डन दिख रहा है। मुझे बहुत पसंद है टी गार्डन। और एक्चुअली मैं बहुत दिन से पहाड़ में आ रहा हूँ, मतलब 5-6 साल की उम्र से मैं पहाड़ में ट्रैवल करता हूँ, मतलब ट्रिप जाता हूँ फैमिली के साथ। तो बचपन से मेरा एक शौक था कि मैं यहाँ पे राइड करूँगा, बाइक राइड करूँगा अगर कभी मौका मिले तो। सो फाइनली आज वो मौका मिल गया। इतने दोनों तरफ इतने खूबसूरत और दोनों तरफ टी गार्डन और बीच में से हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कभी हो पाएगा। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द राइड। सो रास्ते में हम लोग झालंग जा रहे थे तो यहाँ पे एक टी स्टेट देख के थोड़ा रुक गए। यह है कसारी टी स्टेट। यहाँ पे काफ़ी सारे टी जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम लोग तस्बीह ले रहे थे, बहुत अच्छा लगा। दिन भर सुबह शाम हम लोग चाय पीते हैं लेकिन चाय कैसे बनता है, चाय की कितना मेहनत लगता है चाय बनाने के लिए, ये देख के हम लोगों को ये समझ में आता है। सो ओके, निकलते हैं फिर झालंग के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डायना रिवर। नीचे ये जो रिवर दिख रहा है ये डायना रिवर है और डायना रिवर के ऊपर में जो ब्रिज है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। मैं कभी मतलब एक बार मैं ट्रेन से अगर आया था, लास्ट टाइम जब ट्रेन से आया था तो वो दूर में जो ब्रिज दिख रहा है ना, उधर वो ट्रेन लाइन है और ट्रेन लाइन से ये ब्रिज दिखता था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था कि यार कितना सुंदर ब्रिज है। तो अभी आज मौका मिल गया यहाँ से जाने का और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड उधर क्रॉस करके अभी हम लोग जा रहे हैं गोरुमारा एंड चापरामारी फॉरेस्ट के बीच में से। लेफ्ट साइड में जो फॉरेस्ट दिख रहा है वो है गोरुमारा नेशनल पार्क एंड जो राइट साइड में जो फॉरेस्ट दिख रहा है वो है चापरामारी नेशनल पार्क और बीच में से रास्ता है। और यहाँ पे बीच बीच में बोर्ड भी दिख रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स का जगह है तो आप लोग थोड़ा सेफ ड्राइव कीजिए। और हम लोग बहुत ही आराम से बाइक राइड करें ताकि शायद कुछ एनिमल्स अगर देखने को मिले तो नसीब की बात है। लेकिन ये जो साइड में जो ये जंगल है इतना अच्छा लग रहा है ना, और बीच बीच में पंछियों का आवाज़ आ रहा है और एक मतलब एक अलग ही माहौल है यहाँ के। मतलब सिर्फ बाइक का आवाज़ आ रहा है और पूरा शांत एकदम। लेकिन यहाँ पे क्या ना, बहुत ही मतलब धीरे से आप लोगों को जाना है कभी भी आप लोग जंगल के बीच में से अगर ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं तो। क्योंकि क्या होता है, ये दोनों साइड में जंगली जानवर जब रास्ता क्रॉस करते हैं ना तो बाइक के अगर बीच में आ गया तो आपको लेके घुस जाएगा अंदर। बाइसन होता है, बहुत ही डेंजरस है तो वो रुकता नहीं है, वो सीधा लेके घुस जाता है अंदर। बाइसन हो गया, हाथी हो गया तो एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं तो बी केयरफुल यहाँ पे। सो ये एक अपने को देखने को मिला, ये क्या है, ये शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ वॉच टावर वगैरह है। सो ऐसे जब भी वॉच टावर रहता तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग नज़र रखते हैं जंगल के ऊपर कि कोई पोचर्स वगैरह आते रहते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मूर्ति। ये है मूर्ति रिवर, नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, थोड़ा साइट सीइंग करके निकल जाएंगे इधर से क्योंकि अभी काफ़ी सारा जगह जाना है और एक दिन में कवर भी करना है हम लोग को, तो देखते हैं कितना कुछ कवर कर पाते हैं। और अभी फिर से हम लोग आ गए हैं वही सेम जंगल के रास्ते में, गोरुमारा एंड चापरामारी फॉरेस्ट के साइड में। तो थोड़ा रुक गए हैं एंड काफ़ी टाइम से राइड कर रहे थे तो थोड़ा रुकना बनता है बस।
ये है चापरामाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तो बंद है, अभी तो कुछ मिलेगा नहीं देखने के लिए, अंदर जाना भी मना है क्योंकि रेनी सीजन है तो जंगल बंद रहता है। तो फिर कभी मौका मिले तो आएंगे और जंगल सफारी करेंगे। और अभी झालंग के रास्ते में आ गए हैं और जा रहे हैं ऊपर, पहाड़ शुरू हो गया है, चढ़ाई में उतर, चढ़ाई में जा रहे हैं हम। और ये जो रास्ता, ये झालंग रास्ता, बाइक थोड़ा भगा रहा है, थोड़ा आराम से, मतलब ज़्यादा भी नहीं भगा रहा है, एटलीस्ट जितना ज़रूरत है उतना ही। और ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ का वो तो बहुत अच्छा लगा है, गांव टाइप का है, पहाड़ में गांव तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और ये आ गया एप्पल स्टोन, ये झरना दिख रहा है, ये एप्पल स्टोन, ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है ना, इसको ये थोड़ा एप्पल का शेप लेता है तो इधर इसलिए इसको एप्पल स्टोन कहा जाता है। और काफ़ी फेमस माना जाता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट। तो जाते जाते रास्ते में दिख गया झलंग जाते वक्त, तो हम लोग थोड़ा रुक के फ़ोटो निकाल लिए। चलते हैं आगे, तो एप्पल स्टोन क्रॉस कर लिए अभी, ये बीच में झालंग, ये एक्चुअली ये जगह झालंग ही है, झालंग का कोई ऐसा अलग से स्पॉट नहीं है, वो एक व्यू रहता है झालंग का, तो मैक्सिमम उससे कोई स्पॉट का ही नाम झालंग है। यहाँ का पेड़ बहुत खूबसूरत है, मतलब ये बम्बू ट्रीज़ है और इतना अच्छे तरीके से पहाड़ के गांव में एकदम साइड में लगा हुआ है, तो इतना अच्छा देखने को लग रहा है ना, मतलब ऐसा, मतलब अगर मन करता है कि जाके, मतलब ये पेड़ उठा के लगा दूँ घर पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ रहेगा नहीं ये, मतलब कुछ अलग ही टाइप का पेड़ है ये। ये हो गया अपना झालंग व्यू पॉइंट, ये आ गया अपना झालंग। ये नीचे से जो नदी बह रहा है वो अपनी बिंदु जाएंगे तो वही नदी है, सेम नदी। और इधर से पूरा झालंग का व्यू पॉइंट है और पूरा व्यू दिख रहा है इधर कलिंगपोंग का, बादल भी है ऊपर, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में कभी कभी बारिश भी आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता काफ़ी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं है। पहाड़ रास्ते में जैसे होता है थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड रहता है और कभी कभी मतलब थोड़ा मुश्किल होता है राइड करना, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। बीच में झरना भी मिल गया देखने को, तो वो भी थोड़ा रिवर क्रॉसिंग टाइप का हो गया, वाटर क्रॉसिंग टाइप का हो गया, तो अच्छा लगता है यार, मज़ा आ गया यार सच में। तो देखते हैं फाइनली कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, तो बारिश के टाइम पे थोड़ा आराम से, थोड़ा देख के बी केयरफुल। सो मतलब कभी भी विश्वास नहीं, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अरे भूख बहुत लगा यार, कुछ खाने के लिए देखते हैं, रुकते हैं कहीं यार, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना, सिर्फ चाय पिया सुबह से। सो इधर एक होटल दिखा है अपने को, ये जलढका के बाजू में। सो चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मोमो शायद मिलेगा यहाँ पे, मोमो खाने का मन कर रहा है यार, तो मोमो खा लेते हैं फिर निकलते हैं। झालंग, तो भूख बहुत लगा है तो इसलिए खाने के लिए थोड़ा इधर रुक गए, थोड़ा मोमो खाएंगे। एक्चुअली मेरे को भी मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने सोचा यार मोमो तो ठीक है, मोमो खा लेते हैं, थोड़ा मोमो खाते हैं, फिर मोमो खा के सीधा नीचे जाएंगे बिंदु, दलगांव घूम के इधर से जाएंगे संताने खोला, इधर से वापस हम लोग बैक करेंगे। तो अभी तो ये प्लान है, लेट्स सी कितना तक। अपना मोमो तो आ गया है, थोड़ा मोमो खाते हैं, फिर जो ये रेस्टोरेंट का ओनर है उनसे बात हो रहा था, उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया पहले इधर से बिंदु जाने के लिए, जल्दी हो जाएगा, फिर इधर से दलगांव जाएंगे, कम रास्ते आधे घंटे में हो जाएगा, उसके बाद फिर संतने खुला होकर निकल जाएंगे। सो दैट इज़ आवर प्लान नाउ राइट नाउ, सो लेट्स सी। पहाड़ में मोमो का एक टेस्ट अलग ही होता है, बहुत सही है, खा लेता हूँ मिलते रास्ते में। सो अभी हम लोग जहाँ पे मोमो खाने के लिए रुके थे थोड़ा, ये जगह है किचन चुमकांग होम स्टे, अच्छा सॉरी शॉर्टकट में SS होम स्टे। सो ये दादा है होम स्टे का ओनर। तो आप लोग जब भी झालंग आएंगे
या जलढका आएंगे तो जलढका रास्ते में ये होटल या रेस्टोरेंट जो भी है यहाँ पे आता है, होमस्टे है प्लस रेस्टोरेंट है, आप रात में रह भी सकते हैं यहाँ पे, रूम रहना सब अवेलेबल है, खाना पीने का सब सब कुछ है, तो आप लोग कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रास्ते में अटक जाते कभी कहीं पर भी आ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप इनका नंबर यहाँ से मिल ले सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू गाइस।